वेब सर्फर घर घर मा फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस कॉन्टैक्ट 01-5970-222 फॉर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np आप पूरा समाचार। सत्तारूढ़ गठबंधन प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन में उछलबागी उम्मीदवार सबके निस्तेज करक लेल अधिकतम प्रयास करत। शनि दिन सानेपा स्थित नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में बैसल सत्तारूढ़ गठबंधन के केंद्रीय निर्वाचन परिचालन समिति के सचिवालय बैसार से ई निर्णय लेल गेल। सत्तारूढ़ गठबंधन में आबद्ध दल सबके कोनो भी उम्मीदवार के पराजित नहीं होब देबाक लेल बागी उम्मीदवार सबके निष्क्रिय बनेबाक हेतु अधिकतम प्रयास करबाक निर्णय लेल गेल। ओ निर्वाचन परिचालन समितिक सदस्य डॉक्टर सुरेश आचार्य बतौलनि। गठबंधन का विरुद्ध गठबंधन को उम्मेदवारी त्यसलाई निष्क्रिय गराउनका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरिएको छ र त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार पार्टी को नेतृत्वलाई हरेक दल का पार्टी को नेतृत्वलाई आफ्नो तर्फबाट आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ। बैसार सँ बागी उम्मीदवार सबके निस्तेज करबाक काज में ध्यान देबाक हेतु गठबंधन दल के शीर्ष नेता सबके फेर सँ ध्यानाकर्षण समेत कराओल गेल। बैसार में एमाले नेतृत्व के गठबंधन चुनावी आचार संहिता उल्लंघन कर रहल आरोप लगावत निर्वाचन आयोग के एहि विषय में सचेत करेबाक निर्णय सेहो लेल गेल। नेकपा एकीकृत समाजवादीक नेता लक्ष्मण केसी जानकारी देलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादीक महासचिव डॉक्टर बेदुराम भूषाल समाजवाद के आब के राजनीतिक कार्य दिशा बनाबला पार्टी संगे विविध तरीका से कार्यगत एकता भ रहल बतौलन। पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महासचिव भूषाल पूरा राजनीतिक प्रणाली ध्वस्त करक लेल इच्छुक रहल सब विरुद्ध अपना सब द्वारा विद्रोह कक प्राप्त भेल उपलब्धि के रक्षाक लेल भूमिका निर्वाह केलौ कहत। कम्युनिस्ट पार्टी के पुनः एकीकरण के लेल समान विचार रहल दल संगे सहकार्य तथा एकता के क्रम चल रहल बतौलन। ओ तत्कालीन समय में प्राप्त उपलब्धि रक्षाक लेल पार्टी सँ बेसी देश जनता आ जनता द्वारा आनल गेल परिवर्तन महत्वपूर्ण रहल कहिक विश्लेषण केलाक बादे विद्रोह केलौं बतौलनि। राजनीतिक अधिकार सहित आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार आ समानता सहित के स्वतंत्रता एखुनका आवश्यकता रहल कहत महासचिव भूषाल। राजनीतिक हिसाब सँ सामंतवाद के अंत भेलाक बादो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण सँ देखला पर एखनो देश में जातीय वर्गीय भाषिक सामाजिक विभेद विद्यमान रहला कारण एहि विरुद्ध अभियान के आवश्यकता रहल बतौलनि। कार्यक्रम में पार्टी में समाहित भेल नेकपा माओवादी समाजवादी के केंद्रीय सचिव मेघ बहादुर खत्री समाजवाद के साझा लक्ष्य में समाहित होबाक लेल अपना सब माओवादी समाजवादी परित्याग क के देश भर सँ 469 गोटे नेता कार्यकर्ता एकीकृत समाजवादी में समाहित भेलौं जानकारी देलनि। निर्वाचन आयोग अघन 4 गते होब जा रहल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा चुनाव के दिन अति आवश्यक सवारी साधन संचालन कर देबाक निर्णय केलक अछि। विज्ञप्ति सार्वजनिक करैत आयोग अति आवश्यक सवारी साधन के लेल पास के आवश्यकता नहीं रहबाक निर्णय सार्वजनिक केलक अछि। आयोग सवारी आवाजाही के सहज बनेबाक हेतु एहन निर्णय लेल गेल विज्ञप्ति मार्फत जानकारी देलक अछि। अनुमति देल गेल सवारी साधन मतदाता के सवार नहीं कह सकैत अछि कहि कऽ आयोग स्पष्ट रूप सँ सचेत करौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। अब सुविशुको इन्टरनेट तथा टिभीको नयाँ जडान र नवीकरणमा पाउनुहोस् रु 1,00,000 निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि 01-4235-888 वा www.subishu.net.np। घुम्दै फिर्दै आयो फेरि भोट हाल्ने दिन आमा बुबा दाजु भाइ दिदी बहिनी हिना
राम्रो मान्छे चुन्यो भने हुन्छ दुःख पार। निर्वाचनमा भोट हाल्ने हाम्रो अधिकार, निर्वाचनमा भोट हाल्ने हाम्रो अधिकार। मङ्सिर चारको निर्वाचन नेपालीको पर्व, पाएको यो आफ्नो हकमा गर्नु पर्छ गर्व। राम्रो दल छानी सपना बनाउनु छ साकार, निर्वाचनमा भोट हाल्ने हाम्रो अधिकार, निर्वाचनमा भोट हाल्ने हाम्रो अधिकार। मैथिली समाचार म्या बाँकी समाचार। अगहन 4 गते होब जा रहल निर्वाचन में एमाले के जितेबाक लेल आह्वान करैत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइ कर्णाली प्रदेश जा रहल छथि। ओली कर्णाली के 3 जिला के चुनावी सभा के संबोधन करक लेल जा रहल छथि। अध्यक्ष ओली कालीकोट के राजकोट, दैलेक के जम्मूकान आ सुर्खेत के वीरेंद्र नगर में आयोजित आम सभा के संबोधन करबाक कार्यक्रम रहल। ओली के सचिवालय जनौलक अछि ओ शनि दिन डोटी आ कैलाली के 3 चुनावी सभा के संबोधन केने छला। चुनावी सभा में ओली नेपाल में एकटा सुदृढ़ राष्ट्रीय शक्ति आवश्यक रहल बतौने छला। गठबंधन में रहल सबटा दल के अलगे अलग घोषणा पत्र रहला कारण गठबंधन से देश ने चलत ओ दावी केलन। ओ आगामी दिन में देश के कोना का आगू बढ़ाल जाए एहि संबंध में नेकपा एमाले एक विचार एक सिद्धांत लक जनता के बीच आयल दावी करैत आबि रहल छथि। पिछला किछु समय में ओली कांग्रेस से बेसी प्रचंड आ माधव कुमार नेपाल प्रति बेसी आक्रोशित देखल गेल अछि। अर्थविद डॉक्टर स्वर्णिम बागले नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा आसन्न प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन पश्चात प्रधानमंत्री बनता कहिक दावी कैलने। नेपाली कांग्रेस के निकट रहिक चुनावी प्रचार में जुटल अर्थविद बागले देश के प्रधानमंत्री बनक लेल थापा सक्षम आ तैयार रहल सेहो बारम्बार दोहरेलन। शनि दिन काठमांडू क्षेत्र नंबर 4 के एकटा कार्यक्रम में बाजत ओ थापा के प्रधानमंत्री बनेबाक हेतु जीता के पठेबाक लेल सेहो स्थानीय मतदाता के आह्वान केलन। अर्थविद बागले थापा लग प्रधानमंत्री बनवाक विजन आ वह अनुसार के अपना जेहन विज्ञ सभक टीम रहल समेत खुलासा केलन। थापा कोविड महामारी में राजनेता के छवि बनौलन कहैत हुनका आगू बढ़ा कऽ प्रधानमंत्री बनाओल जा सकल त 10 वर्ष भीतर देश में बड़का परिवर्तन एबाक विश्वास समेत व्यक्त कैलन। अर्थविद बागले थापा 7 स्वास्थ्य मंत्री भेल समय देश में एकीकृत स्वास्थ्य नीति के जग रखने छला आ ओ के कारण आगू बढ़ला पर हरेक नागरिक के बीमा के माध्यम से स्वास्थ्य उपचार देबाक अवस्था रहल सेहो बतौलन। थापा आंदोलन से आयल नेता रहल उल्लेख करैत ओ नेता थापे के नेतृत्व में देश के अवस्था में सेहो परिवर्तन कैल जा सकैत अछि बतौलन। सानो रोग लागना सा घर खेत बेच्न नपर्ने खालको त्यो सामाजिक सुरक्षा को प्रत्याभूति दिन सक्ने खालको युनिफाइड हेल्थ केयर सिस्टम को जग गगन थापाले 7 बसाएका छन्। उनलाई फेरि पनि मन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री नै बनाउन सकियो भने यसले 5 एउटा मूर्त आकार लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्थविद थापा नवका पुस्ता ने एला धरि देश के समुन्नत ने मनाओल जा सकैत अछि ई बात के सबकेओ के मनन करैत आगू बढ़नाय जरूरी रहल समेत कहलनि। ओ युवा पुस्ता के परिचालन कऽ कऽ देश के समृद्ध बनाओल जा सकैत अछि बतौलनि। नयाँ खालको पुराना नेताहरूलाई ससम्मान विदाई गर्ने र उहाँहरूले जहाँसम्म नेपाललाई लिएर आएर चाहिँ छोडिदिनु भएको छ त्यसको लागि पनि ग्रेटिट्युड, धन्यवाद दिने र अबको नयाँ यात्रा चाहिँ नयाँ पुस्ताबाट नै ड्राइभ गर्ने खालको राजनीतिक प्रक्रियामा हामी गएका छौँ। अर्थविद बागले देश पाछु पढ़नाईमे राजनीतिय जिम्मेवार रहल कहैत एहि के सुधार करैत आगू बढ़क लेल सेहो नवका पुस्ता एहि के नेतृत्व लेनाई के विकल्प नै रहल बतौलनि। अब आर्थिक समाचार।
राष्ट्रीय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्स रूपन्देही के भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरबाक तैयारी में दिसंबर के अंतिम धरि में भैरहवा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के तैयारी भ रहल नेपाल एयरलाइन्स के प्रवक्ता अर्चना खटका जानकारी देलन उक्त प्रयोजन के लिए निगम के वाणिज्य निर्देशक जनक राज काला खेती के संयोजकत्व में गठित समिति उड़ान संचालन के संबंध में अध्ययन क रहल प्रवक्ता खटका बतौलन अध्ययन प्रतिवेदन पेश कलाक पश्चात निगम के बोर्ड बैसार से निर्णय क दिसंबर भीतर व्यावसायिक उड़ान संचालन के योजना अनुरूप सरोकार वाला संगे परामर्श भ रहल प्रवक्ता खड़का जानकारी देलन दिसंबर के अंधर में उड़ान भरबाक तैयारी भ रहल कोन कोन गंतव्य में उड़ाओल जात एहि विषय में समिति के प्रतिवेदन पश्चात बोर्ड निर्णय लेत। हाल गौतम बुद्ध विमानस्थल से कुवैत के जजीरा एयरलाइंस हफ्ता में 3 उड़ान क रहल नेपाल एयरलाइंस भारत के 3 सहित 8 देश के 10 गंतव्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरत आबि रहल। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। विगत को 20 वर्ष देखि हजुर को सेवा में समर्पित वेब सर्फर अब सबै को लागी वेब सर्फर भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंट्रानेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवाहरू को लागी वेब सर्फर नेपाल अरु भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट 01-5970-222 फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np। मैथिली समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कड़ा प्रतिस्पर्धा के बावजूद अमेरिका के ऊपर का सदन में राष्ट्रपति जो बाइडन के डेमोक्रेटिक पार्टी ऊपर के सदन सीनेट में बहुमत कायम रखत। स्थानीय समय अनुसार सेन दिन सांझ में नेवाडा राज्य से प्रतिनिधित्व करनिहार सीनेटर के निर्णय भेल बहुत कड़ा प्रतिस्पर्धा में डेमोक्रेट सीनेटर कैथरीन कोर्टेज मस्टो अपन सीट जोगाबे में सफल भेल एही संगे ऊपरका सदन सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी 50 सीट जीतलक रिपब्लिकन पार्टी लग 49 गोटे सीनेटर तहिना जॉर्जिया राज्य से प्रतिनिधित्व करय वाला सीनेटर के निर्णय सेहो आगामी दिसंबर में होबय जा रहल रन ऑफ चुनाव से होयत। ओहिठाम डेमोक्रेटिक सीनेटर राफाइल वार्नक रिपब्लिकन उम्मीदवार हर्सल वाकर के सामना क रहल छथि। मध्यावधि चुनाव में दोनों उम्मीदवार 50% से बेसी मत प्राप्त नहीं केलाक कारण रन ऑफ चुनाव होयत। नेवाडा के कॉटेज मास्टर रिपब्लिकन उम्मीदवार एडम लाक्सल्ट के पराजित करतन अमेरिकी संचार माध्यम जनौलक। कॉटेज मास्टर के जीत संगे उपराष्ट्रपति के मत से डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत पक्का करत। जॉर्जिया के सीनेटर वार्नक अपन सीट जोगाब में सफल हेतन त बिना उपराष्ट्रपति के डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत भ जात। निचला सदन के बहुमत के लिए 218 गोटे सांसद आवश्यक एखन धरि रिपब्लिकन पार्टी 211 तथा डेमोक्रेटिक पार्टी 204 सीट जीतलक बाकी सीट के नतीजा आयबाक लेल बाकी एच। आब खेलकूद समाचार। ऑस्ट्रेलिया में जारी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के उपाधि के लिए पाकिस्तान आ इंग्लैंड बीच आए प्रतिस्पर्धा भ रहल फाइनल खेल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में नेपाली समय अनुसार 2:45 शुरू होयत। पाकिस्तान सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के 7 से आ इंग्लैंड भारत के 10 से पराजित क फाइनल में स्थान बनौलक छल। दुनू पूर्व विजेता छी आ तेसर बेर T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहल अछि। एहिसँ पहिने पाकिस्तान आ इंग्लैंड 1-1 बेर उपाधि जीत चुकल अछि आ 1-1 बेर फाइनल में पराजित सेहो भेल अछि। एहि बेर जे टीम चैंपियन बनत ओ 2 T20 वर्ल्ड कप जीत चुकल वेस्ट इंडीज के रिकॉर्ड संगे टाई करत। एखन धरि 7 T20 वर्ल्ड कप भेल जाहि मे वेस्ट इंडीज 2 जीतने अछि त पाकिस्तान इंग्लैंड भारत श्रीलंका आ ऑस्ट्रेलिया समान रूप से
में एक बेर उपाधि जितने पाकिस्तान आ इंग्लैंड के दुनू ओपनर सेमीफाइनल में अर्धशतक प्रहार केने छला। फाइनल खेल डीएल मेथड में पूरा होबाक लेल कमती में दुनू टोली के 10-10 ओवर खेला पड़त कहिका प्रतियोगिता के नियम में उल्लेख है। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर संग बेर। निर्वाचन में उछल बागी उम्मीदवार के निस्तेज करक लेल सत्तारूढ़ गठबंधन के अधिकतम प्रयास। एमाले नेतृत्व के गठबंधन आचार संहिता उल्लंघन कर रहल आरो। समाजवाद के आपके राजनीतिक कार्य दिशा बनेबा के एकीकृत समाजवादी के महासचिव डॉक्टर भूषाल के छनि कह पार्टी संगे विविध ढंग से कार्यगत एकता भ रहल उल्लेख। नेपाल वायु निगम रूपंदेही के भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान करत। पर्याप्त तैयारी भ रहल एयरलाइंस के प्रवक्ता अर्चना खड़का के छनि कह। अमेरिका के ऊपरका सदन में राष्ट्रपति बाइडन के डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत कायम राखत। ऊपरका सदन सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी 50 सीट जीतल। ऑस्ट्रेलिया में जारी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के उपाधि के लिए पाकिस्तान आ इंग्लैंड बीच आई भ रहल प्रतिस्पर्धा। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुन सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने सबके स्वागत है। हम